के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक कॉल हजरत अली से रवायत है कि जिस घर या महफिल में आपकी इज्जत ना की जाए या तकफीर की जाए वहां जाने से गुरेज किया जाए। मेरे में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आपकी जहाँ पे इज्जत ना हो आप वहाँ ना जाएं। मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है जी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में तो अक्सर अकवाल जो मशहूर है ना, वो एवं बस हर एक के नीचे जो है ना वो लिख के हज़रत अली का कौल मशहूर कर दिया जाता है। और ख़ुद सैयदना अली की आप अपनी शख्सियत देख लें कि उनकी ज़िंदगी पूरी इनकसारी के ऊपर ही मबनी है। तो मतलब वो जो वाक़िया बड़ा मशहूर है जिसकी वजह से हम करम अल्लाह वजहुल करीम उनको कहते हैं कि उन्होंने मैदान जंग में काफिर को पिछाड़ा, उसके सीने पे चढ़ गए और उसने थूक दिया सैयदना अली के चेहरे पे, तो हज़रत अली उतर गए। उसने कहा ये क्या हुआ? फरमाया पहले तो मैं अल्लाह की वजह से तुझे कत्ल करने लगा था, अब मेरा गुस्सा भी इसमें शामिल हो गया तो मैंने इसलिए फिर तुझे छोड़ दिया। तो उसने इसकी वजह से वो इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसने कोई हज़रत अली की इज़्ज़त तो नहीं की थी, बेइज्जती की थी, लेकिन सैयदना अली ने उसके साथ उसने सलूक ही किया। उस वाक़े की वजह से आज तक हम करम अल्लाह वजहुल करीम कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके चेहरे के ऊपर अपना करम नाजिल फरमाए कि उनके उन्होंने चेहरे पे थूक अल्लाह के लिए बर्दाश्त की। सही मुस्लिम ये बस वाक़ियात उसमें सीरत की किताबों में मिलता है ना, रेफरेंस रेफरेंस कोई नहीं है इन चीज़ों के। जो वाक़ियात हैं वो इसी तरीके से होते हैं, बस उनको तलक्की बिल्कुल हासिल होती है।